आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया है सामान्य अभिकारकों के ताप में परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। चार तो डिस्क्लेमर में दिए गए हैं। पहला, N2 गैस प्लस O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 2NO गैस। दूसरा, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 2SO3 गैस। तीसरा, 2O3 इज कन्वर्टिंग इनटू 3O2 गैस। और चौथा, 2NO2 इज कन्वर्टिंग इनटू N2O4 गैस। तो आइए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, कौन सा समय हमारा दाब के परिवर्तन से प्रभावित रहेगा जिसके अंदर में डेल्टा एन बराबर हमारा क्या हो, शून्य हो, यानी कि उत्पादों के जो मोलों की संख्या हो, विकारकों के मोलों की संख्या से घटाते हैं तो क्या आए हमारा शून्य आए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक हमारा विकारक का मोल, दो हमारे विकारक के मोल, दो ही उत्पाद के मोल, तो डेल्टा एन का मान यहाँ पर क्या आएगा, शून्य आएगा। जबकि इसके अंदर में तीन तो हमारे अभिकारक के मोल है, दो हमारे क्या है, उत्पाद के मोल है, तो इसलिए डेल्टा एन जो होगा वो हमारा नेगेटिव के अंदर में आएगा -1। इसके अंदर में भी डेल्टा एन जो होगा वो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा पॉजिटिव के अंदर में, क्योंकि उत्पाद में से अभिकारक हम घटाएंगे। इसके अंदर में भी देखा जाए तो डेल्टा एन हमारा 1 आएगा, लेकिन इसके अंदर में डेल्टा एन हमारा क्या आएगा, शून्य आएगा दोस्तों। इसलिए हमारा पहला विकल्प जो दिया गया है वो हमारा क्या है, सही विकल्प है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है और यही हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और ये अभिकारकों के अंदर में दाब में परिवर्तन से क्या रहेगा, अप्रभावित रहेगा। तो ये हमारे लास्ट जतोलिए के नियम के अनुसार हमारा होता है दोस्तों। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।